हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। वी जो है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर का एक सेट है। एफ इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर, यानी फील्ड भी रियल नंबर का ही है। वेक्टर एडिशन ये है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये है, यहाँ वेक्टर एडिशन ये है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है, सॉरी ये मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर एडिशन ये है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है, वेक्टर एडिशन ये है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनको तीनों को चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस हैं या नहीं। ओके, आई विल चेक दिस इज़ द वेक्टर स्पेस और नॉट। नंबर वन, मेरे को जो गिवन है वी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, यही है ना। एफ इज ए फील्ड, एफ इज फील्ड ऑफ रियल नंबर। ओके, पहले वाला केस उठा रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो चेक करना है, मेरे को गिवन है एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वन कोमा वाई वन। वैक्टर एडिशन जो दिया है वो कह रहा है कि एक्स प्लस के एक्स वन है, वाई प्लस के वाई वन है, और सी एक्स कोमा वाई जो है वो है सी एक्स कोमा वाई के। मैं उसी कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ वैक्टर स्पेस फेल हो रहा है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, बाई डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी थी उसी का यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी थी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इनटू यू बराबर होना चाहिए था अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू के। अल्फ़ा और बीटा तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं और यू वेक्टर का एलिमेंट होता है। चलो डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा से ही चेक करो आप। अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा प्लस के बीटा इनटू यू बराबर, अल्फ़ा बीटा जो होंगे वो तो अपनी फॉर्म में ही होंगे, स्केलर्स हैं। यू की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर की वैल्यू एक्स कोमा वाई होगी। आपको दे कैसे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई सी इंटू एक्स कोमा वाई बराबर सी एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या निकल गया, ये किस तरह से होगा भाई, ये होगा सी एक्स सी। तो मेरा ये है पूरे का पूरा, ये है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कोमा वाई। ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अल्फा यू प्लस बीटा यू होना चाहिए। अब पहले मैं इधर से चेक करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा यू की वैल्यू देखता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू यू की जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आई है वो निकली है अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू एक्स कोमा वाई। ओके, और कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के। इधर से चेक करता हूँ, अगर मैं अल्फ़ा यू की वैल्यू निकालता हूँ, अल्फ़ा इनटू यू की वैल्यू निकाली, यू की वैल्यू एक्स कोमा वाई है, प्लस बीटा इनटू यू की वैल्यू निकाली एक्स कोमा वाई है। तो कंसेप्ट क्या दे रखा है बेटा, यहाँ कह रहा है कि पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ जुड़ जाना चाहिए। देखो आप, सी एक्स होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए अल्फा एक्स कोमा वाई। ओके, यही है ना, क्लियर है ना, अल्फा एक्स कोमा वाई आना चाहिए। दूसरे वाला देख रहा हूँ भाई मैं, ये तो ये आ चुका, प्लस ये क्या होना चाहिए, बीटा एक्स कोमा वाई आना चाहिए। बराबर कितना आ चुका भाई, यहाँ से मेरे पास सीधे का सीधा आ चुका। अब अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू की कंडीशन है ना, इसके ऊपर मैंने सी एक्स की कंडीशन लगाई, ये हुआ अल्फ़ा एक्स प्लस के वाई, अल्फ़ा एक्स कोमा वाई बिल्कुल सही है। अगर प्लस के बीटा एक्स कोमा वाई, जब मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जोड़ूंगा ये निकल करके आएगा अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स कोमा वाई। ये कंडीशन तो पास हो रही है यार, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये कंडीशन तो पास हो चुकी, दूसरी चेक करके देखते हैं। फेल हो रही है, ध्यान से देखना है, मैंने गलती कर दी है ज़रा सी, ध्यान से देखना है, फेल हो रही है, 100% फेल हो रही है। ओके, यहाँ से तो ये निकल चुका। अब ये देखो बेटा, ये पूरा एक वैक्टर हुआ,
ये भी पूरा एक वेक्टर हुआ। जब ये दोनों के दोनों वेक्टर हुए, वेक्टर एडिशन आपको कैसे दे रखा है कि वेक्टर एडिशन दे रखा है कि पहले वाला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होना चाहिए, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ ऐड होना चाहिए, बराबर। पहले वाले के साथ ऐड करो आप, ये होगा अल्फ़ा एक्स प्लस के बीटा एक्स कोमा वाई प्लस के वाई, यही होना चाहिए ना। आप यहाँ से देखो, आप जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वेक्टर निकल गया ना, एक दूसरा वेक्टर ये निकल गया, ये दोनों वेक्टर। अब वेक्टर एडिशन करना है ना मेरे को, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा भाई, पहले वाला तो होगा अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स कोमा वाई प्लस वाई, कितना, टू वाई, क्लियर है ना। यानी ये देखो अब आप, ये किसकी वैल्यू थी, इधर देखो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए था अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू की जो वैल्यू निकल करके आई है वो निकली है, कितनी निकली है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स कोमा वाई बराबर ये होनी चाहिए थी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई के, इसी के बराबर होनी चाहिए थी। ये दूसरी वाली वैल्यू कितनी निकली, अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स कोमा ये भी वाई, ये भी वाई, कितना वाई निकल गया, टू वाई निकल गया। पहले वाला ऑर्डर पेयर तो बराबर है, क्या वाई टू वाई के बराबर हो सकता है क्या, दुनिया का कोई भी नंबर अपने दो गुने नंबर के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। ओके, सो दैट आप कहोगे अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर नहीं है अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के, सो दैट नोट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ओके, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया था, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड देखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी का सेकंड पार्ट जो बोल रहा है बेटा, वेक्टर एडिशन जो दे रखा है वो ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो ओके, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है, सेकंड देखता हूँ। सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है वेक्टर एडिशन का, कह रहा है कि एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वन कोमा वाई वन बराबर है ज़ीरो कोमा ज़ीरो के, और ये कह रहा है कि सी एक्स कोमा वाई बराबर है सी एक्स कोमा सी वाई के। ओके, हमारे पास डेफिनेशन से एक प्रॉपर्टी थी, बाय डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से प्रॉपर्टी थी, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या थी प्रॉपर्टी, कि ज़ीरो जो है ना वो वेक्टर के अंदर होना चाहिए, और ज़ीरो प्लस के यू बराबर यू होना चाहिए, और यू भी वेक्टर के अंदर हो। यहाँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, वी क्या है, इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर है ना। एडिटिव आइडेंटिटी चेक करता हूँ, तो जब मैं यानी ज़ीरो कोमा ज़ीरो प्लस के यू की वैल्यू अगर मैं एक्स कोमा वाई डालता हूँ तो मेरे पास होना चाहिए ज़ीरो प्लस के यू बराबर यू आना चाहिए। यू को मैंने कितना मान लिया, एक वेक्टर माना एक्स कोमा वाई, ज़ीरो मेरा ज़ीरो वेक्टर है ज़ीरो कोमा ज़ीरो, देखता हूँ एडिशन क्या होना चाहिए भाई, लौट करके मेरे पास क्या आना चाहिए, लौट करके मेरे पास आना चाहिए एक्स कोमा वाई। लेकिन यहाँ लौट करके क्या आ रहा है, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ रहा हूँ तो दोनों का ऑर्डर पेयर कितना आ रहा है, ज़ीरो कोमा ज़ीरो आ रहा है ना। देखो ना आप, कुछ भी है तो ज़ीरो कोमा ज़ीरो है, बराबर क्या है एक्स कोमा वाई, क्या ज़ीरो कोमा ज़ीरो एक्स कोमा वाई के बराबर है, कंडीशन तो ये पास होनी चाहिए थी, यहाँ तो ये आ ही नहीं रहा है, यहाँ ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है, फ्लॉप हो चुकी ना, नॉट ए वेक्टर स्पेस। ये देखो आप, ज़ीरो प्लस के यू लौट करके वही आना चाहिए था, जब मैंने दोनों वेक्टर को ऐड किया, दो वेक्टर का एडिशन ऑर्डर पेयर में ज़ीरो कोमा ज़ीरो दे रखा है, यानी जब दोनों को जोड़ूंगा मैं ज़ीरो कोमा ज़ीरो आएगा ना लौट करके, गिवन है ना, ये आपको गिवन है ना, जबकि आना क्या चाहिए था, यू आना चाहिए था, यू का मतलब एक्स कोमा वाई आना चाहिए था, एक्स कोमा वाई तो नहीं आ रहा है, नॉट ए वेक्टर स्पेस। अगले वाला और चेक करते हैं, नंबर थर्ड, थर्ड देखता हूँ क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन है
अगर वी इज़ द सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस, उसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का जो एडिशन दे रखा है वो दे रखा है एक्स वाई प्लस एक्स वन कोमा वाई वन बराबर दे रखा है एक्स एक्स वन कोमा वाई वाई वन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सी एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, सी एक्स कोमा सी वाई। फिर मैंने इसके ऊपर बाय डेफिनेशन एक कंडीशन होती है वेक्टर स्पेस की कि ज़ीरो जो है वी के अंदर से होना चाहिए, यू भी वी के अंदर से होना चाहिए और ज़ीरो प्लस के यू बराबर यू होना चाहिए। यू मैंने सेट ऑफ वेक्टर माना, एक्स कोमा वाई मान लिया, ऐड करके देखता हूँ, ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ क्या ये पास है। इधर तो मेरे पास है ज़ीरो कोमा ज़ीरो प्लस एक्स कोमा वाई बराबर, यहाँ कह रहा है कि पहले ऑर्डर पेयर की पहले वाले के साथ गुणा, यानी इसकी गुणा इसके साथ होनी चाहिए कितना, ज़ीरो। फिर अगले वाले की गुणा अगले वाले के साथ कितना, ज़ीरो। लौट करके क्या आना चाहिए था, इन दोनों का जोड़ जो है ज़ीरो प्लस के यू बराबर आना चाहिए था, इन दोनों का जोड़ दिया तो ये है, आना क्या चाहिए था एक्स कोमा वाई आना चाहिए था। क्या ज़ीरो कोमा ज़ीरो एक्स कोमा वाई के बराबर है, नहीं है। यहाँ से देखो ना आप, लौट करके वही आना चाहिए बेटा, वो लौट करके नहीं आ रहा है। नोट ए वेक्टर स्पेस, ओके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, भाई मेरे हिसाब से तो मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का हर एक क्वेश्चन कवर करा दिया मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं सॉम सीरीज़ भी इससे भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ और गोल्डन सीरीज़ से भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कृष्णा सीरीज़ से भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है वो भी उठा रहा हूँ। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, जितने भी वेक्टर स्पेस के अभी तक पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे थे जो मेरी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू, ओके। और हाँ, ये एक पेड चैनल है, इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ओके बाय।